हेलो आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग की दुआएं हैं। और ये कुछ सीजन फेस्टिवल का चल रहा है तो खुशियाँ हैं, बहुत बढ़िया। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ भाई, कुछ दिन पहले ना हम लोगों ने एक्चुअली जो हमारा टीवी है इसको लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसको हमने लिए हुए बस एक साल डेढ़ साल ही हुआ था, और ये भाई साहब हो गया ख़राब। आप पता नहीं समझ पाएंगे नहीं, ये लाइन दिख रही है आपको, ये डबल डबल लाइन इस तरह से ना ऊपर लाइट और नीचे डार्क हो गया। तो यार नया टीवी, अफसोस होता है, दिल को धक्का लगता है। तो खैर गारंटी वारंटी में था और अब हमें पता चला है कि ये हमारा जो पूरा टीवी है वो रिप्लेस करके मिल रहा है। तो मैं और जोया जा रहे हैं नया टीवी लेने के लिए। या तो मैं यही ब्रांड ले सकता हूँ या कोई और ब्रांड का भी मैं ले सकता हूँ सेम अमाउंट का, तो अब जाके पता चलेगा। तो जोया भी रेडी है जाने के लिए, चले जा सकते हैं। क्या डिसाइड है, इसी ये लेना है या यही ब्रांड लेना है या कोई और ब्रांड? ये ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसके फीचर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, बट इफ वी फाइंड समथिंग बेटर तो ये यही प्राइस में है। ऊपर पैसे देने नहीं है कुछ, इसी कॉस्ट में हम दूसरा लेकर आ जाएंगे। एडवांटेज ये है कि मुझे एक्चुअली जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, लोखंडवाला जुहू इस साइड का, जो सी के साइड का जितना एरिया है, सैंटा क्रूज बांद्रा वेस्ट में, इधर प्रॉब्लम ये होती है कि एनीवेयर जब आप समुंदर के पास रहते हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब होते हैं। तो इससे पहले सोनी था और शार्क था, पैनासोनिक के टीवी थे, एलजी था, हायर के फ्रिज, बहुत अलग अलग सारे ब्रांड्स दुनिया के फ्रिज टीवी और एसीज ने यहाँ पे यूज़ कर लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रांड आप लेके आ जाओ गाइस, ये समुंदर के पास प्रॉब्लम होता है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, हवा में नमी इतनी होती है, नमक होता है, उसकी वजह से सब कुछ सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो बहुत साल नुकसान खाने के बाद हमने ये सबक सीखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भैया इस एरिया में अगर आप रह रहे हैं वेस्टर्न सबर्ब्स में टूवर्ड्स द सी, तो ब्रांड पर मत जाइए, बल्कि वो वाला आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदिए जो आपको मैक्सिमम साल तक कवरेज देता है गारंटी वारंटी के साथ। तो जैसे कुछ टीवी होते हैं 2 साल की गारंटी वारंटी होती है, आप एक्सटेंड करा लो और 2 साल, तो मैं देखता हूँ जो मैक्सिमम 5 साल 6 साल की मुझे कवरेज मिल जाए, तो एटलीस्ट आपका टेलीविजन सेट 5-6 साल तक, या इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज हो, टीवी हो, एयर कंडीशन हो, या दूसरे कुछ भी आइटम हो, वो एटलीस्ट सिक्योर्ड होते हैं। तो इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ मुझे, मैंने सिक्योर कर लिया था, तो अब मुझे ये वापस पूरा नया मिल रहा है, न्यू ब्रांड। तो हम लोग जा रहे हैं अभी स्टोर में और वहाँ जाके देखते हैं कि कौन सा टेलीविज़न सेट हमें लेना है। चलें, चलो। तो भैया मैं और जोया आ गए टेलीविज़न रिप्लेस करने के लिए स्टोर में, और ये स्टोर एनीवे स्टोर का नाम क्यों लेना, मुझे कोई पैसे थोड़ी ना दे रहा यार, और पैसे देगा क्यों, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, इतने बड़े इतने सारे फॉलोअर्स हैं ही नहीं मेरे कि कहीं से हमें पेड प्रमोशन हो। एनीवे तो जोया और मैं यहाँ पर आ गए चेक करने के लिए कि अब हमें हमारे ये टेलीविज़न सेट के बदले में रिप्लेसमेंट में कौन सा टेलीविज़न सेट मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पर टेलीविज़न ऑप्शंस सेट के ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने देखना शुरू किया कि हम इसके बदले में क्या लें, उन्हीं पैसों में हम कौन सा अच्छा टेलीविज़न सेट ले सकते हैं। और जब तक मैं टेलीविज़न सेट चेक कर रहा था, देख रहा था क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जोया ने अपने कैमरा मैन की स्किल दिखाना शुरू करी। उसने बोला कि व्लॉग मैं शूट करती हूँ, आप शॉपिंग करते रहो। और वैसे भी गाइज मैं यहाँ पे जो एक्चुअल साउंड था वो यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे स्टोर के अंदर ना बहुत सारे गाने बज रहे होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, कोई म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर बजा रहा होता है और खाम खाम की स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए वॉइस ओवर डालना पड़ा। एनीवे यहाँ पे हमें यहाँ के स्टाफ ने सारा कुछ समझाया कि कौन सा टेलीविज़न सेट हमें हमारे टेलीविज़न सेट के रिप्लेसमेंट में मिल सकता है।
अच्छी डील मिल गई है। हमारा टीवी जो है उसके रिप्लेसमेंट में हमें सिमिलर 55 इंच का दूसरा टीवी मिल रहा है और अपग्रेडेड QLED मिल रहा है और इसका प्राइस अब डेढ़ साल में बहुत कम हो गया, तो वो एडवांटेज मिल रहा है, मतलब मेरे पैसे बच गए। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ आए नए ना, कुछ दूसरी चीज़ें और नहीं। Good deal, huh? You save a lot of money and you bought a new QLED. I might get something from that. Achha. You'll get a samosa pav. और भाई बहुत प्रॉम्प्टली स्टोर ने शाम को हमारा QLED 4K गूगल टीवी भेज भी दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइज, बहुत आराम से उन लोगों ने सारा कुछ रिप्लेस करके बिलिंग विलिंग करके, और हम लोग एक्साइटेड हैं। मतलब पहला तो हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी था, अब गूगल टीवी आ गया, तो जस्ट वेटिंग इंस्टॉलेशन वाले बंदे आए और हमारा टीवी लगा दे जल्दी से जल्दी। निकले हैं चाय पीने, चाय पीने टीवी आ गया इसलिए चाय, नया टीवी आ गया इसलिए चाय पीने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारी एक फेवरेट स्पॉट है वर्सोवा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वर्सोवा में ना वो ईरानी चाय, हमने हमारा चेंज कर दिया, दूसरा नया अड्डा है। सो लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं वो अड्डा, लेट्स गो। चाय की जगह जो है ना हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ अच्छी चाय मिलती है, कहाँ बढ़िया चाय मिलती है, तो रात में ऐसे खाना वाना खा के कभी चाय के तल भी लोग हाँ चाय पीने चले जाते हैं। हम लोग बाहर ड्राइव के लिए निकले एंड वी डोंट स्ट्रोल अराउंड द लोकन वाला मार्केट, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सो हियर वी आर, वी आर लोकन वाला, वेयर आर वी गोइंग? वर्सोवा। व्हाट्स दैट शॉप? 10 बजे भी लोकन वाला में ट्रैफिक जाम होता ही है, क्योंकि प्री दिवाली सेलिब्रेशन या मूड थोड़ा सेटिंग होना शुरू हो गया और भी लाइट्स भी लगने वाली है ना, बस ऊपर जो तारे लग गई हैं वो जिसके लाइट्स लगेगी, और मेरे ख्याल से और एक अनदर आज सैटरडे, अगले सैटरडे तक यहाँ पे लाइट्स लग जाएंगी दिवाली की पूरा। यस, लोकन वाला इज ऑलवेज अ लाइवली एक्सपीरियंस, का काम कभी खत्म नहीं होता, कभी ये स्टार्ट तो कुछ और स्टार्ट हो जाता है। हेलो भैया, भैया देख रहे थे यहाँ पे शॉप विच इज कॉल्ड सकीना डेरी। सकीना वही है जो तारा सिंह के साथ तारा सिंह जिसको पाकिस्तान से लाया था, उसके बाद उन्होंने ये डेयरी खोली थी तारा सिंह की, सकीना डेयरी। तो गाइस हम लोग वो जगह पे पहुंच गए हैं और आयान गया है हमारी चाय लेने, जब तक लेट्स सी डैड को क्या बोल रहा है, मतलब मुझे क्या बोलना है, वो चाय लाने गया, लेकर आ जाए बस तीन चाय तो मजा आ जाएगा। Yes. यहाँ की जो चाय है बहुत बढ़िया है, और मैंने इसको पूछा था एक बार बंदे को यार क्या बनाता है क्या मिलाता है, तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं दूध पत्ती, मतलब सिर्फ दूध और चाय पत्ती होती है उसमें और पानी नहीं मिलाता, और क्योंकि डेयरी वाला है तो बहुत प्योर दूध के अंदर वो बना के देता है, मतलब अनमैचेबल है वो।
and I'm getting a call, so I have to take the call. Ayan, laya hai chai. Thank you so much. Guys, hamari chai aa gayi hai. Dad ne sip le liya hai. How's the chai? Fantastic as usual. एक गाड़ी पीछे से निकलना चाह रही है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लूंगा पीछे लूंगा यार रिवर्स ले लेगा वो तो उसको निकल जाएगी ना पीछे निकल जाएगी वो निकल जाएगी आप अंदर आ जाओ बाहर क्यों खड़े हो बाहर अच्छा लग रहा है हेलो तो हम लोग आ गए हैं चाय पी के रात बहुत हो चुकी है वैसे तो इतना लेट नहीं हुआ है और कल स्कूल भी नहीं है तो आपसे अगले व्लॉग में मिला जाएगा तब तक के लिए शब्बा खैर गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग शेक हैंड्स विद वकार लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल